जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो इसके लिए आपको अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे चीज़ों को तो लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरा, आपने एक अलग ही प्रॉपर्टी देखी होगी कि हमें एग्ज़ाम से पहले चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप चीज़ें ज़्यादा भूल जाते हो। तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसी एक मेथड से आपको मिल जाएगा। तो क्या मेथड है, कैसे हमें चीज़ों को पढ़ना है, तो देखिए उसका एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, तो हर चीज़ को आपको लिख कर ही पढ़ना है। कोई भी आप फॉर्मूला याद करो, कोई भी आप प्रूफ याद करो, कोई भी प्रूफ करते हो, या फिर कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करो, इंग्लिश में कुछ भी याद करो, सभी चीज़ों को आपको लिख कर ही याद करना है, यानी लिख कर प्रैक्टिस के रूप में लाना है। तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है पढ़ने का कि लिख कर पढ़ना। इससे देखिए सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है भूलने की। दूसरा, जो एग्ज़ाम में हम चीज़ों को बोलते हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब हम लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में अपना पेपर लिखते हैं, तो जो चीज़ आपने लिख कर प्रैक्टिस किया वो अपने आप ही हाथ के द्वारा सारी लिखती जाती है। ओके, अगर आपने लिख कर प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रेशर के कारण आप चीज़ें भूल भी सकते हो, तो इसलिए लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें। दूसरा, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, आपको लर्निंग होती हैं। फिजिक्स में आप देख सकते हो कुछ प्रूव होते हैं, केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शन है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आप याद नहीं कर पाते, तो उसका एक तरीका है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आप लिख कर करते हो। पहले 2 से 3 बार आप देख कर ही चीज़ों को लिखें। अगर आपको मेमोरी में याद नहीं होती हैं तो आप देख कर ही उन्हें 2 से 3 बार लिखें, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये तरीका आप अपनाइए और आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, चीज़ें अब अच्छे से समझ में आती हैं। ओके, तो लिख कर करना है प्रैक्टिस। ओके, क्योंकि देखिए सिलेबस इतना होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादातर रिवाइज़ नहीं कर सकते। रिवाइज़ में भी देखिए चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख कर करोगे प्रैक्टिस तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है।